सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद को अपने सिर पे आभासित करते हुए इष्ट हमारे हनुमान जी महाराज की छवि को नेत्रों में समाहित करते हुए अधिष्ठात्री जगद्दात्री माँ सिद्धिदात्री के चरणों में वंदन करते हुए माँ शारदा ने मेरी जिह्वा पे जो भी प्रसाद दिया है वो आप तक पहुँचाऊँगा आशा करता हूँ, इसे श्रवण करके आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि कथा से ही जीवन का व्यथान का हरण होता है। आए चंद पल एकाग्रचित होकर हरि चरणों में ध्यान देंगे, क्योंकि कहा गया है जब आप सत्संग में आओ तो शरीर से तीन काम एक साथ होता है, नेत्रों से प्रभु दर्शन की अभिलाषा हो, जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण हो और इन हाथों से मधुर करतल। जब आपकी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां एकाग्र होंगी तो ये मन विचलित नहीं होगा। आए अपने प्रसंग की तरफ चलेंगे, चंद पल हरि स्मरण करते हुए। मन भजले सीता राम गौरी शंकर राधे श्याम सीता के बिन राधा के बिन सीता के बिन
रावण मारो एक ने कंस संहारो एक जाई रे रावण मारो एक जाई रन रावण मारो एक ने कंस संहारो एक जाई रन रावण मारो एक ने कंस संहारो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की परमहंस महाराज की श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज। कल आपने सुना भगवान राम ब्याह कर अवध में वापस आए। हनुमान हा हते शत्रु हाँ संकेत करता है शत्रु विनाश के लिए। नू नूतन माँ मंगल और ना नव हनुमान के स्मरण से शत्रुओं का विनाश होता है और घर में नित नव मंगल कार्य होने लगते हैं। इसलिए हमें हनुमान का स्मरण करना चाहिए। कल बात चल रही थी संस्कारों की। 13 संस्कार हैं और 3 उप संस्कार ऐसे मिला के होते हैं 16 संस्कार। भगवान राम विवाह करके अयोध्या में आए हैं और अवध में आनंद बरस रहा है कि जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख वारी। भगवान राम जिस दिन विवाह करके घर आते हैं उस दिन से नित नव मंगल कार्य होने लगते हैं।
चतुर्थ संपदाओं का आगमन होने लगता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था कन्या की तरफ जाता है। एक कन्या का पैर अगर आपके घर में आए तो भिखारी को राजा बना दे, और एक कन्या का पैर आए तो राजा को भिखारी भी बना दे। इसलिए विवाह से पहले कन्या के और वर के दोनों के गुण दोष देख करके ही विवाह करना चाहिए। जानकी जी आई हैं तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, और उमग अवध अम्बुध कहूं आए। जीवन में हर प्रकार का आनंद का आगमन हो गया है। रिद्धि और सिद्धि की संपत्तियां जैसे मानो नदी की तरीके से अवध में बह रही हो, जैसे समुद्र सुखों का उमड़ के अवध में आ गया हो, ऐसी दशा आज अवध में है। और कहीं न जा या कछु नगर विभूति जन यतनीय विरंच कर तूते। कन्या का अगर आगमन आपके नगर में होता है तो उसके पैर में निर्भर है, उसकी वाणी पे निर्भर है, उसकी व्यवहारिकता में निर्भर है। यहां पर एक प्रभाव बताया गया है कि जब जानकी जी को, उर्मिला को, सुकृति को और मांडवी को विवाह करके चार बहुएं महाराज दशरथ लाए तो संध्या काल का प्रहर है। माँ कौशल्या केकई के सुमित्रा को बिठाया है। तिवारी जी ने एक समझाया है, शिक्षा दिया है। विवाह के बाद वर के पिता और कन्या के पिता दोनों को किस शब्द से संबोधित करते हैं? समधि। तो सम का मतलब होता है समान, अधि अवधि भाषा में धी का मतलब बेटी से है। यानी आपकी बेटी जैसी बेटी मैंने आज आपको दे दिया है। अस्तु अगर हम जन्म के पिता हैं तो आप कर्म के पिता हैं, और अगर सासू कर्म की माँ है और जन्मदाती माँ जन्म की माँ। कहा उन्होंने कि पर विधु बदनी तोर घर आए, रखियहु नयन पलक कियना। एक उसल्या है के कई ऐ सुमित्रा, दूसरी की पुत्री हमारे घर में आई है, उसको ऐसे संभाल के रखना जैसे अपनी आंखों के ऊपर के पलक को संभालते हैं। ऐसे सास को बहू को संभालना चाहिए, और बहू को भी सास को माँ के जैसा मान देना चाहिए, क्योंकि तो माताओं का दिया हुआ संस्कार ही बेटियों में आता है। जानकी को तो सुनैना ने कहा था ना कि सत्य वचन मम उर धर ले मात पिता गुरु सेवा कर। ए जानकी जाओ, मेरी ये सत्य नीति, मेरी सत्य बात उर अपने हृदय में रख लेना, सदैव माता पिता गुरु की सेवा करना। और कभी वो क्रोध में आपको दो शब्द कह भी दे तो हठवश जाके उनकी कुशलता को पूछ लेना। प्रमाण आया है, एक दिन माँ जानकी कौशल्या जी का चरण दबाने जा रही थी तो उनके पैर में बुहार यानी झाड़ू लग गया है, और झाड़ू में आग लग गई, जल गया। जानकी के पैर लगते ही बुहारी जल गई, आग लग गया। कौशल्या मैया ने कहा, बेटी कल से मेरे चरण दबाने मत आना, सेवा करने मत आना। जानकी ने कहा, मैया क्यों? कहने लगी, बेटी जब तेरे चरण लगने से झाड़ू में आग लग सकती है, कहीं मुझे लग गया तो क्या? जानकी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, माँ जलते तो वो हैं जिनमें विषय है, विकार है, क्रोधाग्नि है, ज्वलनशीलता है,
अरे माँ तू तो दया की सागर है, तेरे चरण को छूते ही तो सारी अग्नि ऐसे ही बुझ जाती है, आग लगने के बाद कहाँ से आती। ये भाव बहू और सास में है। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। माताएं हर्षित हो रही हैं, नगर के लोग हर्षित हो रहे हैं, अवध में आनंद ही आनंद हो रहा है। सबके उर अविलास यस कहाई मनाई महेश, वाप यचत युवराज पद राम ही देव नरे। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पिता को थोड़ी थोड़ी जवाबदारी देना चाहिए। नगरवासियों की एक इच्छा हो गई है कि सबके उर अभिलाष यस कहाई मनाई महेश। भगवान शंकर की आराधना करके कहते हैं, महादेव की प्रार्थना कर कि आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। आप यानी दशरथ जी के होते हुए भी भगवान को राजा बना दिया जाए, राज्याभिषेक किया जाए। लेकिन भाई सबसे पहले है हमारा धर्म, धर्म से होती है नीति और नीति से चलते हैं राज। अब तो उल्टा हो गया है, खाली राज रह गया, नीति खत्म हो गई। अब नीति की बात ही कहाँ है। राज समाज का हर न्याय समाज में होता है, देव समाज में, राजाओं के समाज में, व्यापारिक समाज में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। राजा का समाज में, राजा का जो निर्णय होगा वो समाज में होगा। इसलिए सबकी इच्छाओं को जानते ही महाराज दशरथ ने क्या किया कि एक समय सब एक समय सब सहित
कोई भी कार्य करने से पहले, किसी भी पात्र में वस्तु रखने से पहले उसकी उपयोगिता देखते हैं, और किसी को पद पर या पद प्रदान करके उसको सम्मान देने से पहले उसकी योग्यताओं को देखते हैं। आज राजसभा में बैठकर महाराज दशरथ सारे नगर के वासी राम की कीर्ति का सुयश मखान कर रहे हैं। वही राजा बना दो तो क्यों बना दो, क्या ये आपके राज्य को संभाल पाएगा? अगर किसी में क्षमता 10 किलो वजन उठाने की है और 50 किलो रख दो तो उसे तकलीफ हो जाएगी। कहते हैं सुनो, पूरे त्रिभुवन में 3 लोक में महाराज दशरथ के जैसा कोई राजा नहीं, जिनके घर राम जैसा कोई बेटा है, ऐसा किसी और के घर राम जैसा बेटा नहीं। यहां आध्यात्मिक चर्चा है। आपके घरों में जब बेटा पैदा होता है तो बुलाते रहे, भैया हमारे घर में लाल लाल आया, हमारे घर में बेटा पैदा हुआ। लेकिन जब दशरथ जी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है तो दशरथ जी ने ये नहीं कहा है कि मेरे घर में बेटा हुआ। अगर पढ़ेंगे गौर से तिवारी बाबा तो दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि मेरे घर में बेटा हुआ। दशरथ जी ने एक पंक्ति कही है, बड़ी सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने सजाया उसको, कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे घर आवा प्रभु सोई, अस्तु ने ज्ञान है। ये पूर्व जन्म में दिए हुए वरदान का फल है। चर्चा करते हैं कि देखो चौथे पन में इनको पुत्र मिला, वो भी गौ ब्राह्मण संतों के हित के लिए। जब बच्चों के दूध के दांत भी नहीं टूटे, धर्म रक्षा के लिए गुरु के चरणों में पहुंचा दिया, और बहुत कम अवस्था में महाराज राम जी ने ताड़का जैसी विशाल राक्षसी का वध कर दिया। कम अवस्था में ही मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। गुरुकुल में जाकर के शिक्षा, संस्कृति, अध्यात्म, वेद, कला, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हुए। जहां बड़े बड़े राजाओं ने भी धनुष को छू कर तिल भर नहीं हिला पाए, भगवान राम ने थोड़ी सी अवस्था में उस धनुष का भंजन भी किया। तो ऐसे योग्य बेटा अगर है तो उसे राज दे ही देना चाहिए, क्योंकि पूत कपूत तका धन संचय। अगर बेटा कुपूत है, कुपात्र है, तो उसके लिए क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो? एक दिन वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और अगर सपूत है तो उसके लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अपने आप सब कुछ बना ले। इकट्ठा करनी है अध्यात्म की संपत्ति, परमार्थ की संपत्ति, जो इस लोक से उस लोक तक की यात्रा करा दे। ये संपत्ति किस काम की है? सबने एकाग्रचित कहा है और निवेदन किया महाराज दशरथ से कि श्रवण समीप भये सित केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन ले।